नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। फेस्टिवल्स का सीजन आ गया है, जनता खरीदारी में लगी हुई है। स्पेशली लड़कियों को खरीदारी का बहुत शौक होता है, सजने संवरने का बहुत शौक होता है, पर तब क्या जब इस खरीदारी में कोई अड़चन आ जाए, नहीं समझे ना। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। चेंजिंग रूम में एक सीक्रेट कैमरा। जी हाँ, नागपुर की एक घिनौनी हरकत सामने आई है। साजिश रची गई थी एक लड़की को फंसाने की, उसकी अश्लील वीडियो बनाने की। पर लड़की के दिमाग और उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के हौसले से इस घिनौनी हरकत का मास्टरमाइंड सामने आ पाया है और इसकी वजह से ही सभी लड़कियां और महिलाएं अब सेफ है। नागपुर का एक नामी शोरूम ट्रेंड्स विद फ्रेंड्स में एक सेल्समैन ने साजिश रची थी। उसने अपने शोरूम के चेंजिंग रूम में सीक्रेट कैमरा लगाया हुआ था और सभी की अश्लील वीडियो बनाता था। उसी कैमरे में एक लड़की का आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया गया था। पुलिस के मुताबिक एक 17 साल की कॉलेज लड़की जब ट्रेंड्स विद फ्रेंड्स शोरूम के चेंजिंग रूम में अपनी ड्रेस चेंज करने गई, तो अचानक से उसको कुछ महसूस हुआ कि कोई उसकी वीडियो बना रहा है। जब उसने चारों तरफ गौर फरमाया तो वहां उसकी नज़र एक कोने में छिपाए गए मोबाइल फ़ोन पर पड़ी, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू था। उस लड़की के शिकायत करने पर पुलिस वहां पहुंची और दुकान के मालिक किसान अग्रवाल को गिरफ्तार किया और साथ ही एक नौकर निखिल उर्फ चिंटू को भी हिरासत में लिया। पुलिस जांच के बाद पता चलता है कि वो मोबाइल फोन निखिल उर्फ चिंटू का ही था। पुलिस की पूछताछ के बाद पता चला कि चिंटू ने ये काम अभी शुरू किया था, मगर और भी जानकारी के लिए उस मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब तक पहुंचाया गया। चेंजिंग रूम में चेंज करने से पहले हर बार चेक जरूर कर ले कि कहीं कोई आपकी वीडियो तो नहीं बना रहा। आप छुपे हुए कैमरे का भी पता लगा सकते हैं, वो ऐसे कि आईने पर अपनी एक उंगली रखे। अगर आईने और उंगली के बीच कोई फर्क नजर आता है तो ठीक है, पर अगर नहीं आता है तो आपको तभी सावधान हो जाना है और पुलिस को खबर करनी है। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।